अगर आप नेचुरल लाइफस्टाइल को फॉलो करते हैं तो निस्संदेह आप बिना दवाइयों के स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। इसका जो भी अनुभव आपके सामने रखा जा रहा है, इसके गवाह हमारे पास, हम कहाँ से सीखते हैं, क्या सच, क्या क्या सही है, क्या गलत है, अपने पीछे के एक्सपीरियंसेस से। जैसे अभी अभी बहन सुनीता चुग जी ने आपको बताया कि उनको 50 साल का अनुभव है, वो कोई दवाई का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। अगर उनको आप सुनेंगे, वो बहुत कुछ ऐसा आपको बताएंगे कि कब कब जीवन में ऐसी परिस्थितियाँ आई जब उन्होंने, अगर कोई दिक्कत आई भी तो उसको बिना दवाई के ठीक कर लिया। हमारे बीच में हरीश जाम जी हैं, इनको अगर आप पूछेंगे कि आपको कितने वर्ष का अनुभव है, हरीश जाम जी कितने वर्ष का अनुभव है? 60 ईयर्स। तो एज लगभग 70 ईयर्स होगी, तो 60 साल का एक्सपीरियंस है। इनके पिताजी श्री केवल कृष्ण जाम हमारे गुरुदेव ब्रह्मलीन आचार्य शेषाद्री स्वामीनाथन जी के साथ सेवा में लगे रहते थे। तो ये जो चल रहा है, कोई आज से नहीं चल रहा है, ये परंपरा से चल रहा है। तो जो परंपरा से चल रहा है, उसी के चलते हम इसको अपने आज, अब अपने 3 दिन में एक्सपीरियंस भी किया है कि ये सच्चाई कहाँ तक साइंटिफिक है। आपके एक्सपीरियंसेस ही बोलेंगे, आप ही बोलेंगे कि आपने इन 3 दिनों में क्या अनुभव किया। हमारे पास डाटा है जिसके अंदर बकायदा लिखा गया है कि जब आप यहाँ आए थे तो आपका शुगर का लेवल क्या था, आपका हाई ब्लड प्रेशर कितना था, आपका वेट कितना था, और 3 दिन के अंदर फिर अब कितना है, और जबकि आपने किसी भी किस्म की दवाई का प्रयोग नहीं किया। आपसे एक सवाल पूछा जाता है, क्या आपको भूखा रखा गया? नहीं। जितना आप पहले खाते थे उससे कम खिलाया गया? नहीं, आपको अधिक खिलाया गया। और आप जो आपने खाया, क्या वो बेस्वाद था? बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है। लोग कहते हैं प्राकृतिक चिकित्सा वाले भूखा मारते हैं, लोग कहते हैं ये घा फूस खाते हैं। तो ये प्रैक्टिकल करने के बाद ही आप जान सकते हैं कि वास्तविकता जो लोग सोचते हैं उससे बिल्कुल अलग है। एक जानकारी होती है और दूसरा ज्ञान होता है। जानकारी और ज्ञान में क्या अंतर है? तो जानकारी आसान है, ज्ञान लेना थोड़ा उससे मुश्किल है, क्योंकि आपने जानकारी के लिए, आपको पुस्तक पढ़ लो तो भी जानकारी मिल जाएगी, टीवी देख लो तो भी जानकारी मिल जाएगी, यूट्यूब पे हमारा प्रोग्राम देख लो तो भी जानकारी मिल जाएगी। और ज्ञान लेने के लिए आपने 4 दिन के लिए अपने सारे काम धंधे छोड़ के यहाँ पर आके रहे, ज्ञान लेना थोड़ा उससे मुश्किल है। लेकिन ज्ञान टिका रहे, ये सबसे मुश्किल है। स्वस्थ होना आसान है, स्वस्थ रहना मुश्किल है। तो ज्ञान को टिके रहने के लिए एक ही काम करना पड़ेगा। ज्ञान को टिके रहने के लिए हमें चाहिए गुरु कृपा। ज्ञान आपका टिका रहे उसके लिए हमें चाहिए गुरु कृपा। गुरु कृपा का मतलब ये नहीं किसी बाबा जी ने आपके सिर पे हाथ रख दिया कि आपके ऊपर कृपा हो गई। गुरु कोई देह नहीं होता, गुरु कोई शरीर नहीं होता। तो गुरु कृपा कैसे होगी? जाके ज्ञान हमारा टिका रहे। तो गुरु कृपा के लिए हमने जो सीखा, अगर वो सच है, अगर वो हमारा हृदय स्वीकार करता है कि सच्चाई यही है और हमने उससे लाभ लिया है, तो जब हम उसी ज्ञान को आगे और लोगों को देते हैं, फिर गुरु कृपा हमारे ऊपर रहती है। अगर हम उसी ज्ञान को अपने तक सीमित कर लें तो फिर गुरु कृपा नहीं रहती। उस ज्ञान को आगे बढ़ाने के लिए हमें तन मन धन से प्रयास करना चाहिए, ताकि गुरु कृपा हमारे ऊपर बनी रहे। गुरु कृपा हो गई, ये कैसे पता चलेगा? हम ज्ञान आगे भी बढ़ा रहे हैं, हमने सारे काम सही कर रहे हैं, लेकिन हमारे ऊपर गुरु कृपा हो गई, ये कैसे प्रमाणित करेंगे हम?
जिन पदार्थों को हम छोड़ना चाहते थे लेकिन छूटते नहीं थे और अब छूट गए, या आगे हम जीवन में देखेंगे छूट गए। जो पदार्थ खाने में पहले स्वादिष्ट नहीं लगते थे मगर हम जानते थे कि सेहत के लिए ये अच्छे हैं, फिर भी खाने में स्वादिष्ट नहीं लगते थे और हम खा नहीं पाते थे। अगर वो स्वाद लगने शुरू हो गए और हम उसको खाने लग गए, जिन पदार्थों को हम जानते थे कि गलत है फिर भी छूटते नहीं थे, अगर वो छूट गए तो आपको सर्टिफिकेट मिल गया कि आपके ऊपर गुरु कृपा हो गई। जानकारी से हम ये नहीं कह सकते कि हमारे ऊपर गुरु कृपा हो गई। जानकारी से आपके पास जानकारी है लेकिन आप उसके मुताबिक चल नहीं पा रहे हैं। इस तरीके से आप अपने आप को जान सकते हैं भी कितने परसेंट गुरु कृपा हो गई, आपकी परसेंटेज क्या है, आप कहाँ स्टैंड करते हैं। इसी भावना के साथ जब बिना दवाइयों के स्वस्थ जीवन जीने के इस विज्ञान को हम आगे बढ़ाएंगे तो निस्संदेह वो दिन दूर नहीं जब भारत के अंदर प्राकृतिक चिकित्सा नेचुरल लाइफस्टाइल का डंका बजेगा। और अब भी बहुत आगे बढ़ रहा है आंदोलन, ब्रह्मलीन आचार्य शेषाद्री स्वामीनाथन जी हमारे गुरुदेव जी के द्वारा दिया गया ये ज्ञान घर घर तक पहुंचने में आप सबका बहुत सहयोग है, आपको बहुत बहुत बधाई। हमारे बीच में कल यहाँ पर बीच में आपको छोड़ के मैं कुछ समय के लिए सुबह सुबह 2-3 घंटे के लिए चला गया था, आ जाना। यस, तो योग एवं मानव सेवा संस्थान एक बहुत बड़ा संगठन है जो कि खाली केवल दिल्ली में नहीं, दिल्ली और दिल्ली से बाहर जिसकी शाखाएं हैं, लोगों को पार्कों के अंदर आप देख सकते हैं योगासन करते हुए। और उसके जो प्रधान हैं श्री विनोद मित्तल जी, वो हमारे बीच में आज उपस्थित हैं। हम उनको आगे बुलाएं। श्री विनोद मित्तल जी प्लीज़ आप आगे आएं। तो योग एवं मानव सेवा संस्थान के हमारे विनोद मित्तल जी, तो विनोद मित्तल जी की एक शाखा तरुण इनक्लेव में है, वहाँ पर इनका उत्सव था और इन्होंने हमें उसके लिए मंत्रित किया। इनका प्यार संस्था के प्रति, इनकी सेवाएं, और श्री विनोद मित्तल जी के माध्यम से जितनी भी इनकी शाखाएं हैं, अधिकतर शाखाओं के अंदर नेचुरल लाइफस्टाइल के प्रोग्राम समय समय पे होते रहते हैं। बहुत बड़ी बात है समाज तक इस ज्ञान को पहुंचाने के लिए श्री विनोद मित्तल जी का बहुत सहयोग है। आप देख, इससे पहले हमारी जो क्वार्टरली मीटिंग होती थी वो शायद 2 बार वहाँ हुई है, जो 2 बार अगरसैन भवन पीतमपुरा में हो चुकी है। आप उस भवन के प्रधान हैं और कभी भी दोनों टाइम हमारा वो जो भी प्रोग्राम वहाँ होता था आपकी तरफ से निशुल्क सेवाएं मिलती थी संस्था को। आप इस संस्था के प्रति इतना समर्पित हैं कि ना केवल निशुल्क सेवाएं मिलती थी, दोनों बार आपकी तरफ से जगह भी मिलती थी और उसका कुछ लिया भी नहीं जाता था और आपके पर्सनल अकाउंट में से एक चेक भी आता था। तो श्री विनोद मित्तल जी का बहुत बहुत स्वागत है। हमारे बीच में जगदेव भाई जी दर्शन आश्रम गुड़गांव से आए हैं, तो श्री जगदेव भाई जी भी जब स्वामीनाथन जी के समय, गुरुदेव जी के समय, आप श्री जगदेव भाई जी हमारे गुरुदेव जी के समय जब
गुरुदेव जी के लेक्चर होते थे, आपको मैंने पहले बताया कि वो एक पार्क में एक एक महीने का लेक्चर बुक करते थे। तो आप जनकपुरी में उनके कई बार एक महीने का, 15 दिन का, एक हफ्ते का लेक्चरों का आयोजन हुआ श्री जगदेव भाई जी का, और हमारी मित्रता लगभग 15-16 वर्ष पहले से ही उस समय की है कि स्वामी जी के साथ मैं वहाँ जाता था और इनके साथ हमारे संबंध बने। आजकल जगदेव भाई जी दर्शन आश्रम के नाम से नेचुरोपैथी का एक आश्रम चलाते हैं जो गुड़गांव के पास है, और वहाँ भी सेवा रूप में ही कार्य करते हैं, इनका कोई ये प्रोफेशन नहीं है। हमारे गुरुदेव जी ने अपने साथ जिन जिन लोगों को रखा उन्हीं को रखा जिन्होंने निशुल्क सेवा की। बीच बीच में उनके कुछ शिष्यों ने उन्हीं से सीखकर बाद में इसको प्रोफेशन के रूप में अपना लिया, तो हमारे गुरुदेव जी ने उनको अलग करने में कभी संकोच नहीं किया, और गुरुदेव जी के द्वारा दी गई इसी उस प्रेरणा को हम भी बहुत हिम्मत के साथ, हौसले के साथ उसी तरीके से इस संस्था को आगे ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे बीच में डॉक्टर सुमन सिंघल जी हैं, आप गायनोकोलॉजिस्ट हैं, एलोपैथिक डॉक्टर हैं, और आप गवर्नमेंट सरकारी हॉस्पिटल में कार्यरत हैं। सरकारी अस्पताल से इनकी तरफ से रेफर्ड होके पेशेंट हमारे पास आते हैं। इस तरह के डॉक्टर, अगर एलोपैथिक डॉक्टर इस आंदोलन को सहयोग करेंगे तो निश्चित रूप से लोगों को बात समझ में लगेगी। आप यहाँ पर अकेले नहीं आए हैं, इनके साथ इनके हस्बैंड श्री मनीष सिंघल जी, जो संस्था के ट्रस्टी भी हैं और जो एलोपैथिक डॉक्टर हैं, आपके साथ इनकी सिस्टर डॉक्टर कुसुम जिंदल जी, जो गायनोकोलॉजिस्ट हैं और जिन्होंने नेचुरोपैथी को एक्सपीरियंस किया है, और कुछ थोड़े समय से ही किया है, थोड़े समय से करने के बावजूद भी आपको बहुत इसका एक्सपीरियंस है। तो आप सबका यहाँ पर स्वागत है। बैठिए बैठिए बैठिए, प्लीज़ बैठिए। हमारे इस कैंप के दौरान श्री विनोद जैन जी सेक्टर 5 से हैं, रोहनी से, इन्होंने पेटर्न की जिम्मेवारी ली है और इस संस्था को और आगे ले जाने के लिए बहुत बड़ी बड़ी हमारी कमिटमेंट्स हुई हैं, बातें हुई हैं, और अभी मैं उम्मीद करूंगा कि वो आके थोड़ा सा समय दें और शेयर करें कि इनके विचार क्या हैं और अपनी धर्मपत्नी और परिवार के साथ यहाँ आए हैं। श्री बालकृष्ण जिंदल जी, श्री बालकृष्ण अग्रवाल जी काजू वाले शालीमार बाग से हैं, इनके साथ इनके बेटे श्री संजय अग्रवाल जी आए हैं। इनका समय समय पे आप पेटर्न सदस्य हैं, इस आंदोलन को आगे बढ़ाने में बहुत सहयोग मिलता है। हमारे बीच में महावीर गर्ग जी आए हैं जो हमारे ट्रस्टी हैं, और महावीर गर्ग जी की तरफ से अग्रसेन मॉडल स्कूल, यही नाम है ना, महाराजा अग्रसेन मॉडल स्कूल। हाँ जी, हाँ जी, सीडी ब्लॉक पीतमपुरा, वहाँ पर आपकी तरफ से कितने दिन का, 7 दिन का, नहीं 4 दिन का, 7 दिन, 5 दिन का उस स्कूल के एडिटोरियम में कितने 150 टीचर्स के लिए। तो टीचर्स के लिए बहुत अच्छा एक प्रोग्राम आयोजित किया गया, तो आपने बहुत प्रयास किया स्कूल के टीचर्स तक इस बात को पहुंचाना, एक बहुत बड़ी बात है और बहुत बड़ा सहयोग है। जो
सुरेंद्र अरोड़ा जी के ब्रदर आर के अरोड़ा जी, हाँ जी हाँ जी, हाँ राकेश अरोड़ा जी, आप भी संस्था के ट्रस्टी हैं, तो आपका भी स्वागत है, आप भी आइए उधर चेयर लीजिए। नेचुरल लाइफस्टाइल द्वारा 4 डेज प्रैक्टिकल ट्रेनिंग सर्टिफिकेट कोर्स बी योर ऑन डॉक्टर का आयोजन किया जाता है, जिसमें आप इस जीवन शैली को अपनाकर अपने अधिकतर रोगों से मुक्त हो सकते हैं और इसका आश्चर्यचकित लाभ केवल 4 दिनों में ही अनुभव कर सकते हैं। इसलिए अपने लिए निकालिए जीवन के केवल 4 दिन। कोर्स की विशेषताएं: आचार्य श्री मोहन गुप्ता जी और नेचुरल लाइफस्टाइल की टीम के साथ रहने का मौका, ब्रेकफास्ट लंच और डिनर में प्राकृतिक रूप से तैयार किए गए भोजन का रसास्वादन, टोना पट्टी स्पाइनल टब बात सन बात प्राणायाम इत्यादि का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, रिलेशनशिप काउंसलिंग द्वारा तनाव मुक्त एवं प्रसन्न चित्त जीवन। रजिस्ट्रेशन हेतु संपर्क करें। अधिक जानकारी के लिए हमारे पुस्तकों इत्यादि का अध्ययन करें एवं परामर्श हेतु प्रत्येक रविवार प्रातः 7 बजे से 10 बजे तक हमारी निशुल्क कक्षा में भाग ले। निशुल्क शिविरों के आयोजन करवाने हेतु एवं अन्य सामग्री पेट की पट्टी DVD MP3 एनिमा स्पाइनल बाथ टब इत्यादि के लिए संपर्क करें। हमारा पता है नेचुरल लाइफस्टाइल H32/22 Sector 3 रोहिणी नियर विश्राम चौक दिल्ली 110085। हमारे फोन नंबर हैं 011-2751-0771, 09953722272।